सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम खेलने वाले हैं आइसक्रीम टू। जी हाँ गाइस, ये भी एक हॉरर गेम है जिसका एक पार्ट हम खेल चुके हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे अपना गेम हो चुका है शुरू। तो चलिए, सो गाइस यहाँ पे शुरू हो चुका है अपना गेम। और गेम की शुरुआत होती है अपने दो फ्रेंड्स के मिसिंग न्यूज के साथ। तो गाइस अपने को आज इन दोनों को ही यहाँ से रेस्क्यू करना है और बचाना है उस रॉड यानी कि आइसक्रीम वाले अंकल से। तो चलो फटाफट से गेम शुरू करते हैं। सो गाइस, पहले तो मुझे यहाँ से निकलने के लिए चाबी ढूंढनी होगी, क्योंकि पिछले दो सीजन में हमने मतलब अपने दो एपिसोड में जो अपने गेम का खेला है उससे हम विंडो से बाहर जाते थे, लेकिन इस बार अपने को इस घर के मेन गेट से बाहर जाना है। और आज हमारे पेरेंट्स भी घर पर नहीं है तो हमारे लिए आसान होगा। तो पहले अपने को चाबी ढूंढनी पड़ेगी। ये रही चाबी, अपने को मिल चुकी है मेन डोर की चाबी मतलब होम की। अब अपने को निकलना है यहाँ से। किधर गया मेन डोर? ये नहीं है। एक सेकंड, इस साइड में होना चाहिए फिर। इधर भी नहीं है यार, अभी अभी तो यही था। कहाँ चला गया? आई थिंक इस साइड में नहीं, किचन वाले एरिया में होना चाहिए फिर। तो चलो उधर ही चेक करते हैं अपने को। हाँ ये रहा। ओके यहाँ पे लगी चाबी, अपन जाते हैं बाहर। ओके गाइस, और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये इस बार भी पहुंचा हुआ। और एक ये माइक उसके पास एक वेपन यानी कि एक इलेक्ट्रोगन लेके जा रहा है जमाने के। भाई क्या कर रहे तुम? और वो उससे कह रहे हैं कि वो लीज को छोड़ दे। इसकी माइक धमका रहा है लॉर्ड को। माइक के पास गाना गाया, लेकिन मुझे नहीं लगता और ये क्या हुआ? स्किप करने के बाद बाइक के साथ क्या हुआ? चलो फटाफट से निकलते हैं अपने यहाँ से। और सबसे पहले अपने को कहीं छिपने का एक जगह ढूंढना होगा, जो कि ये रहा। यहाँ पे मैं छिप सकते हैं आराम से। और ये यहाँ से लड़ा है बाहर। Going to count on kids today. I'm looking for the chump slubby man. और इसके I'm going to पीछे के find पैकेट से chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. इसमें यूज करके अपने को इस गेम को पूरा करना है। चलो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से बाहर। ये हो चुका है यहाँ से बाहर, हमने उठाया यहाँ से इलेक्ट्रोगन। यहाँ पे जो लॉक लगा हुआ, पहले तो हमने कहा लॉक नहीं मिलते थे, लेकिन इस बार मिल रही है क्योंकि अपने को ये गन को यूज भी करना। इस गन से मिल के यहाँ पे अटैक। ओके अब अपने को उठा रहा है यहाँ से मैप। अब चलते हैं फटाफट से इसके अंदर। यहाँ पर आ चुके अंदर। चलो भाई साहब चलते हैं यहाँ से अपन पहले लोकेशन। यहाँ से हम जाने वाले अपने पहले लोकेशन पे, और हमारा जो पहला लोकेशन है वो है मेट्रो स्टेशन। तो कैसे अपन आ गए हैं अपने मेट्रो स्टेशन, और अपने को यहाँ से दो या तीन चीज़ें कलेक्ट करनी है, लेकिन अभी हमें काफ़ी मुश्किलें आने वाली है। तो चलो ये क्या, इस बार गेट उल्टे साइड से ओपन हो रहा है। चलो ये हम आ गए मेट्रो स्टेशन के अंदर।
फटाफट से चलते हैं अपने को जो चीजें चाहिए वो ढूंढने हैं यहाँ पे। और आई थिंक मुझे लग रहा है रॉड सामने ही है। तो गाइस अभी मैं मेट्रो के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिलेगा। अभी देखो रॉड आ चुका है अपने पास और उसने मेरे को देख लिया है, वो इस साइड से उधर कर आने वाला है, मैं इधर से भाग जाऊंगा। मैं तो भूल गया था गाइस, मैं इधर से ऊपर ही नहीं चढ़ सकता, अपने को इसी मेट्रो के थ्रू यहाँ से निकलना होगा। इसके अगर अपने को ऊपर नीचे चढ़ना है तो मेट्रो का यूज़ करना। चलो यहाँ से अपन पहुँचिए, चुपचाप से अपने को रॉड को चकमा देना होगा ताकि हम अपना काम आराम से कर सकें। चलो रॉड फिलहाल के लिए उधर घूम रहा है, अपन चलते हैं यहाँ से चुपचाप से अंदर और अपने को यहाँ से जो जो सामान मिलेगा वापस से ले करके अपने को वैन में रखते जाना है। सबसे पहले अपने को यहाँ मिलती है एक, कहाँ गई भाई, हाँ इस लूट के अंदर मिली है अपने को एक शूज। ओके चलो फटाफट से रख के आते हैं अपने वैन में। अगर आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा होने वाला है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलो फटाफट से चलते हैं अपन ऊपर और रख के आते हैं फिलहाल अपने शूज को वैन में। ये रखा है अपने शूज वैन में, चलते हैं फटाफट से अपने डेस्कटॉप मतलब नेक्स्ट आइटम को लाने के लिए। शिट गाइस, यहाँ पर रॉड ने अपने को सरप्राइज दे दिया, इसके रॉड ने हमें पकड़ लिया है गाइस। अब यहाँ से किसी ना किसी तरह से निकलना और कोई ऑप्शन ही नहीं। चलो यहाँ से निकलने के लिए ओके मुझे रोप काटने के लिए सीजर की जरूरत है। अब ड्रॉअर में से ढूंढो सीजर को, हाँ ये सीजर तो काफी इजी था यार। चलो इसे काटते हैं, 1 2 3 ये हो गया ऊपर, इसे करते हो ऊपर, ये खुल गए। अब फटाफट से चलते हैं यहाँ से बाहर, राउंड तो नहीं है ना आसपास वरना अपना सारा का सारा गेम बिगड़ जाएगा। चलो फिलहाल रोड तो नहीं दिख रहा, अब फटाफट से चलते हैं मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे अपने वो एक और आइटम भी क्या है, हाँ एक कैब आई है वहाँ से। चलो फटाफट से कैब को भी लेकर के आते हैं और आगे गेम प्ले करते हैं। ये अपना फ्रेंड यही है, सीजर इसे को रखने के लिए दे देता हूँ गाइस, चलते हैं यहाँ से बाहर। ये अपन आ गए नीचे, चलो पहले ही देख लेता हूँ यहाँ रॉड तो है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो मेरे को रॉड तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर कहीं, ठीक है यहाँ सामने ही रॉड है, रॉड बिल्कुल सामने पे ही है गाइस, मेरे को बिल्कुल भी सामने दिख रहा है। ये खोला मेरे गेट और वो ये देखो रॉड ने अपने को देख लिया है, अपन बिल्कुल बिल्कुल रिक्स नहीं लेंगे, बिल्कुल भी रिक्स नहीं लेना। हमने यहाँ से उठाया ये हैट, ये अपन गए इधर और जब रॉड उधर जाएगा अपने को पकड़ने के लिए अपन यहाँ से चुपचाप से निकल जाएंगे। ये देखो बस 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 ईजी ईजी, कोई दिक्कत नहीं, अपन निकल चुके हैं यहाँ से बाहर। अब अपने को जाना है सीधा वैन में और उसके बाद अपना दूसरे लोकेशन पे जो कि है सर्कस। अभी अपने को यहाँ आना है, अभी अपने को यहाँ पे बहुत ही रेयर आइटम मिलने वाले, लेकिन अभी अपने को उसकी जरूरत नहीं, तो फिलहाल चलते हैं अपन दूसरे लोकेशन सर्कस पे। अपने को मिलने वाला है वहाँ पे आइटम और इन आइटमों का यूज अपने को वही करना है। मुझे जैसा कि वो हमेशा करता है, हमेशा ही देख लेता है, क्या करो। बस धीरे धीरे हाँ ये देखो गाइस, यहाँ पे एक बंदा सोया हुआ है, मुझे इसे इसे ये वाली
की लेनी है सर्कस की, लेकिन इसके लिए मुझे इसे जूते और कैप देने होंगे, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा ना इसके पास जूते हैं और ना ही इसके पास हैट है। तो फटाफट से चलते हैं अपने वैन पे और वहां से लाते हैं सामान और इसे दे देते हैं। लेकिन यार ये रॉड का बच्चा तो अपने को छोड़ेगा ही नहीं, रॉड को देखो भाई, ये रॉड बड़ा कमी है इंसान का, ये अपने को देख ही लेता। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसे चकमा दे के निकल चुके हैं हम। और अपने को चाहिए यहाँ से शूज, पहले अपने को उसे पहनाना होगा शूज, क्या क्या करना पड़ रहा है की के लिए। तो चलो फटाफट से शूज पहना के आते हैं, एक सेकंड घूम के जाना ही बेटर रहेगा। लेकिन एक ये क्या, इस साइड से तो रास्ता ही ब्लॉक है यार, शेट अपने को वापस उधर ही आना होगा, उधर रॉड है। कोई नहीं, रिक्स तो लेना पड़ेगा अपने को, लेकिन ज़्यादा रिक्स नहीं लेने का, क्योंकि अपन एक बार कॉट हो चुके हैं, मीन्स पकड़े जा चुके हैं। चलो कोई नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। इधर आ चुके हैं अपन यहाँ पे, और अब अपने को बस कुछ नहीं करना है, इसे पहनाने हैं शूज, ये पहना दिया हमने शूज, अब चलते हैं यहाँ से बाहर। वो देखो सामने से रोड आ रहा है, पहले वेट करना होगा मुझे, नहीं तो फिर से वो मुझे अपने पीछे दौड़ाने लगे। एक सेकंड में इधर से चेक कर लेता हूँ, अगर कोई घूम के रास्ता होगा ना तो मैं उसके पास पहुँच जाऊँ, मीन्स अपने वैन के पास। रोड इधर घूमता रहेगा, मैं अपने वैन के पास पहुँच जाऊँ। लेकिन यार इधर तो कोई रास्ता ही नहीं, इधर तो सब कुछ ब्लॉक है। सेट, चलो कोई नहीं, उधर से ही जाना पड़ेगा। धीरे 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 चलते हैं, ये जो रॉड अचानक से आता है ना धप्पा देने के लिए, बहुत डर लगता है भाई उसमें। तो चलो वो रॉड उधर निकला, अपने को जाना है अपने वैन में, और वहां से उठाना है हैट, हैट ला के पहनाना है इसे। तो आ चुके हैं अपन यहाँ पे, हमने उठाया यहाँ से हैट और चलते हैं वापस। ये अब अपन आ चुके हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमने दिया इसे ये हैट, अब दे दे भाई। अब इसने दे दिया हमें सर्कस की, अब इसकी को लेकर के चलते हैं जहाँ पे इसका यूज करना है, वहां से अपने को मिलने वाला एक इंटरेस्टिंग सा पीस जिसकी बहुत जरूरत है हमें। चलो चलते हैं अपन वहां पे, इस साइड से ही चलना होगा यार, कोई बात नहीं, रोड आए तो आए, जाना तो पड़ेगा ना मेरा भाई। शायद से रॉड ने देख लिया मेरे, देखा मैंने कहा था ना यार, इसकी आवाज जो पहले से ही आ जाती है ना। चलो रॉड को फिलहाल चकमा दे दिया मैंने, चलते हैं अपन फटाक से। और ये देखो विंडो से मुझे कुछ दिखाई दे रही है, वो आइटम जो अपने को चाहिए। ओके ये देखो, ये वुडन वुडन हॉर्स का जो पीस है मुझे चाहिए था, इसकी ज़रूरत है मुझे, और मुझे मिल चुका है कि येलो कलर का वुडन हॉर्स का पीस। अब इसे फटाफट से लेकर के चलते हैं वैन में, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ से किसी और को भी लेके जाना है अपने साथ, और वो कौन है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। चलो वो अपने ही फ्रेंड में से कोई है जिसे हम पहले बचा चुके हैं, और आपको पता है वो कौन है, वो अपना फ्रेंड चार्ली है। चार्ली ये देखो ये रहा। अब भाई मुझे ऐसे बनाना होगा, इसके सारे सवालों के जवाब देने होंगे, उसके बाद ही ये मेरे साथ जाएगा। चलो तुक्का मारते हैं यार, अपने को तो आंसर सही पता नहीं है, देखो क्या करता है। चलो That's crazy. What are you talking about? देखो मैंने गलत आंसर दे दिया और ये गुस्सा हो गया यार, फिर से ट्राई करना पड़ेगा अपने को। Is that you? अबे चल ले भाई, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास यार। चलो हो गया। I'm not afraid of that stupid ice cream maker. एक क्वेश्चन का आंसर तो कर दिया मैंने, आई थिंक इसने दूसरे क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी देना।
नहीं तो अपने को फिर से शुरुआत करनी। No way! You and I are not friends anymore. लो यार मैंने इस बार फिर गलत आंसर दे दिया। Jay, is that you? What happened? Remember that I am the bravest of the four. एक तो मैं इनकी ही जान बचा रहा हूँ, ऊपर से ये मुझे ही गलत आंसर दे रहे हैं। You don't understand. देखो फिर से वही वही दिक्कत आ रही है। भाई तीनों टंकी करके तो छोड़ के चला गया, लेकिन गाइस मैं इनके बिना जा भी नहीं सकता ना, क्योंकि अगर इनके बिना मैं यहाँ से जाने की कोशिश भी करूँगा तो नहीं जा पाऊंगा। भाई जल्दी कर, कहीं रॉड आ गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो मैंने चार्ली को मना लिया गाइस, फाइनली अब अपन निकलते हैं यहाँ से। चल आ जा मोटे, धीरे धीरे नीचे आ जा। ओ गाइस शिट 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 शिट, हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा जिसका मुझे डर था। नीचे तो जस्ट नीचे नीचे मौजूद था वो दरिंदा रॉड, जो बच्चे को बहरे में से उठा के ले आता अपने साथ। अभी अभी अपन उससे बचे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो उसकी साउंड आना बंद हो गई है, मीन्स कि वो यहाँ से जा रहा है। अब अपन चलते फिर से नीचे, देखते हो गया है कि नहीं। ओके ओके ओके। और गाइस अपन थोड़ी जल्दी कर दी यार, फिर से वो आ जाएगा नीचे। ऊपर चला जाऊँ क्या? नहीं नहीं इधर ही वेट करता हूँ। खैर मैं आई थिंक, मुझे लगता है चार्ली को कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी मैं गाइस उससे बच के रहने में ही फायदा है अपना। अब चला आया यार। गाइस अभी हमने चकमा दे दिया है उसे, और अभी अपन जा रहे हैं अपने लोकेशन पे। तो ये देखो हमारे साथ आ रहे हैं हमारे चार्ली उर्फ मोटू जी, और ये रॉड हमारा घूमता हुआ पागलपंती मचाता हुआ जा रहा है हमारे आगे आगे। चलो फटाफट से अपन निकलते हैं यहाँ से बचते बचाते, और ये निकल गए हम यहाँ से। लेट्स गो। चलो गाइस पहुँच चुके हैं अपन अभी यहाँ। मैं अपने वैन में बैठते हैं फटाफट। भाई कितना लेट करके आएगा यार ये, इतना स्लो आएगा तब तो फिर अपना गेम हो गया पूरा, यही अटके रह जाएगा। भाई जल्दी कर ले चार्ली, अगर तेरे को साथ लेके नहीं जाना रहता ना मजाक नहीं, मैं कब का अभी तक कहाँ पहुँचा रहता यार। चल बैठ जा चुपचाप अंदर जाके। चलो ये बैठ चुका है अंदर, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि है शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल या फिर कैंपिंग, ये दोनों रहते हैं। शॉपिंग सेंटर जा रहे हैं अपन लोग, और यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी लाइन, लेकिन हम स्किप करते हैं इसे क्योंकि हम लोग इससे बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अब अपना काम शुरू होता है यहाँ से फिर से। तो चलो फटाफट से अपने को यहाँ पे जो जो काम करना है वो निपटाते हैं अपन। अपने को यहाँ से चाहिए एक सोवेल और एक मोटर बाइक। तो फिलहाल के लिए अपन सोवेल को चाहिए, अपने को चाहिए सोवेल, तो सोवेल निकालने का ट्राई करते हैं। इसे ढूंढते हैं अपन सोवेल, शटर को करते हैं ओपन, और ये क्या ये बंद हो जा रहा है यार, खुलेगा नहीं क्या? सोवेल तो ये मिलने वाला है 100%, पर ये खुलेगा कैसे? यदि ये खुलेगा नहीं, डोर तो उसी पर लिख रहा था उसे को खुलना चाहिए। और अभी मैंने शायद इधर ही कहीं रॉड को भी देखा था। भाई जल्दी करना होगा अपने को, बंद हो जा रहा है। ये देखो फिर बंद। ओके मैं समझ गया, अपने को वहाँ पे टैप करना है जहाँ तक कि सर्कल पूरा हो जाए, और उसके बाद शटर ओपन हो जाएगा। ये देखो फाइनली शटर ओपन हो गया, और यहाँ से मिली है हमें सवाल, और इस सवाल का यूज़ हमें करना है कैंपिंग वाले एरिया में गड्ढे खोदने में,
गड्ढे खोदने के बाद अपने को वहां से मिलेगी एक की। तो गाइस मैं पहले ही आपको बता देता हूँ क्योंकि अपने को सारा कुछ पता है, अपन ऑलरेडी खेल चुके हैं ना सब कुछ। तो चलो मस्त हो गए अपन, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बनाना होगा अपने को यहाँ से। तो चलते हैं इधर से बाहर। ओके आ चुके हैं अपन यहाँ, चलते हैं इधर से सीधा कैंपिंग वाले एरिया में। एनिमी क्लोज है यार, तो अब अपन आ चुके हैं कैंपिंग वाले एरिया में जो कि अपना नेक्स्ट स्टॉप था। अब यहाँ पर खड्डे खोदने स्टार्ट करते हैं अपन, लेकिन साथ ही साथ हमें रॉड का भी ध्यान रखना होगा कि रॉड हमें कहीं गलती से भी ना ढूंढ ले यार। चलो इसमें नहीं है, और यहाँ बहुत सारे गड्ढे हैं, इतनी आसानी से मुझे नहीं मिलने वाला मुझे पता है, क्योंकि अपनी किस्मत का अंदाज है अपने को रहता है कौन सी चीज़ कितनी जल्दी मिलने वाली। देखो यहाँ भी नहीं, चलो इधर ट्राई करते हैं, मिल गया भाई। इस पर भी नहीं, इसे तो अभी अभी नहीं, इस पर भी नहीं है। अब इधर ओपन करके देखता हूँ, इस साइड पे तो ओपन कर लिया, अब इधर देखता हूँ ओपन करके, नहीं इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है। अब इसकी बारी, इस पर भी नहीं है, इस पर भी नहीं है यार, मुझे मालूम। चलो इसके बाद ट्राई करते हैं इस साइड पर कहीं, इधर मिल जाए, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, नहीं इस पर भी नहीं। अब अपन आ गए दूसरे साइड वाले एरिया में, इधर भी नहीं मिल रहा, इस साइड को भी नहीं मिल रही यार, पता नहीं चाबी कहाँ मिलेगी। और ये देखो रॉड हमारे जो सामने से आता हुआ अपने को परेशान करने के लिए, क्योंकि इसे कुछ काम ही नहीं, इसे बनाया गया अपने को पकड़ने के लिए। अपन चैन आराम सुकून से कुछ काम कर नहीं सकते ना, इसीलिए इस रॉड को बनाया गया। चलो इसको ट्राई करते हैं, इस पर भी नहीं यार, कितने गड्ढे खोदूंगा मैं आज। और वे 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 यहाँ पे कौन, लीज लीज तो यहाँ क्या कर रही है? ओके गाय मैंने सुना को बता ना कि मेरे दो फ्रेंड मिसिंग के न्यूज़ आ रहे हैं, जिसमें से एक को तो रेस्क्यू कर लिया हमने चार्ली को, अब लीज को भी यहाँ से अपने को लेके जाना होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि इसे भी यहाँ से कन्विंस करना होगा, पहले इसे भी मनाना होगा, उसके बाद अपन इसको यहाँ से लेके जा सकते। आसान शब्दों में बोलो तो एक सेकंड गैस में यहाँ पे ऑलरेडी गड्ढे खोद चुका था, लेकिन मुझे अपने को मिला नहीं था यहाँ पर, लेकिन अब फाइनली मुझे मिल चुका है कि। तो चलो यहाँ से चलते हैं अपन दूसरे वाले लोकेशन पर, जहाँ पर अपने को यूज करना है इसको, ठीक है। और वहाँ जाने के लिए आई थिंक इधर से अपने को मिलेगा कोई रास्ता। हाँ ये देखो ये न्यूज़ वॉल, ये पोस्ट करके हटाया मैंने इसे, यहाँ से गए अपन अंदर। ओके ये रहा अपना ट्री हाउस, और ये जो चाबी है अपने इस ट्री हाउस की चाबी। ओके यहाँ लगाया हमने की, 3 2 1 गेट हुआ ओपन, अपने को यहाँ मिली कुछ नहीं, तो यहाँ पे मिला अपने को एक वुडन, और ये रहा रॉड का चेस्ट। अपने को सारे जो भी वुडन हॉर्सेस मिलेंगे ना चारों कलर के, वो अपने को प्लेस करने हैं, जिसमें चार है एक मैंने प्लेस कर दिया, और वहाँ पर हमें एक फायर क्रैकर की पैकेट भी मिली। ओके लेकिन अभी अपने पास एक दूसरी कलर की भी हॉर्स है, कौन सी कलर की मिली थी अभी सर्कस वाले की, अभी येलो कलर की। हाँ उस येलो कलर वाले को मिला करके अपने को यहीं पे लगा दें, अभी येलो फटाफट से लेके आते हैं और उसे यहीं पे प्लेस कर देते हैं। हाँ ये रहा, चलो अब इसे प्लेस करते हैं इसके असली हर सही जगह एरिया में। इधर से ये आए अपन इस वाले एरिया में, बस रॉड ना आ जाएगा क्योंकि ऐसे ऐसे टाइम पे ही वो पहुंचता है, जब जितने ज़्यादा करीब पहुंचोगे ना मिशन पूरा करने वो उतनी परेशानियाँ बढ़ाती है आपकी। तो ये आ गया अपन यहाँ पे, ये दो कलर के घोड़े को लगा दिया हमने, यहाँ से उठाया हमने ये फायर क्रैकर, और इस फायर क्रैकर का यूज़ हमें करना है उस मेट्रो स्टेशन वाले एरिया में, क्योंकि हमने देखा था ना उसके एक साइड पे हम नहीं जा पा रहे थे, अपना एक साइड ब्लॉक है, तो दूसरे साइड जाने के लिए हमें इस फायर क्रैकर का यूज़ करना।
लेकिन अपने को यहाँ से भी किसी और को भी लेके जाना है, कन्विंस करना है, और आई थिंक आपको पता है वो कौन है। वो है मेरी फ्रेंड लीज। चलो अपने को मिल चुकी है फाइनली यहाँ से फायर क्रैकर। अब चलते हैं अपन यहाँ से अंदर। और ये क्या फायर क्रैकर मैंने कहाँ फेंक दिया? अबे यार फायर क्रैकर कहाँ फेंक दिया? कोई बात नहीं, उसे बाद में ढूंढो। चलो फिलहाल लिए इसको कन्विंस करते हैं। रॉड 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 कहाँ हो तुम? रॉड रॉड तो इधर नहीं दिख रहा, यानी कि मैं लिए इसको आराम से कन्विंस करके यहाँ से लेके जा सकता हूँ। बस मैं तुरंत झटपट से कन्विंस हो जाए यार, मान जाए तुरंत तो फिर मजा है। और देखो सामने से रॉड आ रहा है, वो मुझे पक्का यकीन है सीधा मेरे पास ही आएगा, क्योंकि एक दो बार मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ ना। वो इधर को आ रहा है, आप कितना भी छिपने की कोशिश कर लो वो आपके पास ही आएगा। तो फिलहाल मैं उसे चकमा दे करके वापस से आ गया हूँ लीज के पास। इसे करता हूँ बनाने की कोशिश, लेकिन इसे बनाने से पहले मुझे किसी और को बनाना होगा, बनाना नहीं किसी और को घुमाना होगा। तो चलो मैं पहले इसे घुमा करके आता हूँ। चलो फिलहाल मैंने बना लिया लीज को, अब लीज अपने साथ आने के लिए हो गई है रेडी। और लीज आ रही है अपने साथ, तो इसे लेकर के चलते हैं अपने वैन में। और फिलहाल के लिए हमने बिजी, बिल्कुल इतना बिजी कर दिया है उसे, रॉड को भी कहना ही नहीं, वो अभी अपने को कुछ नहीं करने को आया। तो चलो जल्दी से फटाफट से लीज को भी बिठाते हैं अंदर और निकलते हैं यहाँ से। हालांकि हमारी अभी सरिया की सरिया का काम अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है। चलो अब अपन आ चुके हैं यहाँ पे, और ये उठाया हमने अपना फायर क्रैकर जो कि मैंने उधर अंदर से निकाल लिया था। अब आ चुके हैं हम इस साइड को, और ये रही हमारी दूसरी साइड वाली एरिया जो कि ब्लॉक पड़ी। चलो इस लगा इस फायर क्रैकर को लगाते हैं यहाँ पे और ओपन करते हैं ये अपना एरिया। तो ये एरिया अपना होता है होम के साथ। चलो रास्ता तो हो गया अपन, अब अपने को करना है यहाँ पर ट्रैक को चेंज, पटरी को चेंज करना है। ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमने जब हाई टर्बो उठाने आया था ना, तो ये देखो यहाँ पे अपने कुछ चमकती हुई एक चीज़ दिखाई देती है, और शायद मुझे पता है वो क्या। वो एक डिफरेंट कलर का हॉर्स जिसकी बिल्कुल सख्त ज़रूरत है, लेकिन उसका उसके लिए अपने को यहाँ पे लीवर्स को एक कॉम्बिनेशन में लगा था। बट आई थिंक कि मैं गलत कॉम्बिनेशन को लगा रहा, और उसका कोड मुझे कहाँ से मिलेगा मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, लेकिन मैं फिर से ट्राई करता हूँ, तुक्का मार रहा हूँ देखता हूँ लग जाए। नहीं गाइस ये भी नहीं ले रहा, क्या करूँ क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। देखता हूँ यहाँ से कुछ अगर हैंड मिल जाए। नहीं यहाँ से भी अपने को कुछ नहीं मिल रहा यार, खैर छोड़ो। तो फिलहाल के लिए अभी अपन आए हैं शॉपिंग सेंटर, वहाँ के काम का पेंडिंग छोड़ के शॉपिंग सेंटर में अभी अपने को काम करना है पूरा। तो ये जो आप जैक मेरे हाथ में देख रहे हो, ये मैंने लाया है मालूम कहाँ से? ये मैं लेकर के आया हूँ मेट्रो स्टेशन वाले एरिया से, और इस जैक के जरिए अपने को अभी एक काम करना है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा। देखो यहाँ पे लगाया हमने जैक, ये नीचे से है, यहाँ देखो ये मोटर निकाल, ये मोटर बाइक निकाला हमने यहाँ से, इसे लेके चल रहे हैं बाहर। ये क्या, ये तो वहीं से यही चलाने लगी है। अभी इससे अपने को छोटा सा मिशन पूरा करना है, और उससे अपने को किसी को कन्विंस करना है। तो चलो फिलहाल, मतलब आज का गेम तो सबको कन्विंस करने में ही जा रहा है यार, समझ नहीं आ रहा गेम खेल रहा हूँ या रिश्तेदारों को मना रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं नीचे अपन। अपन आ गए यहाँ से नीचे। ओके ओके ओके, और वो रहा रॉड, ऊपर इंतजार करता हूँ हमारा। चलो यहाँ पे अपने को कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, शुरू करते हैं। बट अपने को यहाँ पे रॉड से ही बच के रहना है, ठीक है? बुला लेना भाई पुलिस को अपने को, क्या है यार अपन यहाँ चोरी करने थोड़ी आए।
मुझे डर लग रहा है रॉड यहाँ पे मिल गया। पता नहीं क्या कर फिर से प्रेस करके देखता हूँ इसके बटन को एक बार, लेकिन एक सेकंड वो देखो रॉड आ रहा है। अपने को यहाँ से फटाफट से जल्दी से काम करके निकलना होने तो अपना गेम हो जाएगा यहीं पे दी एंड। एक सेकंड थोड़ा इंतजार कर लेता रॉड चला जा भाई चला जा, मैं यहाँ नहीं हूँ। लेकिन उसे थोड़ा सा एहसास तो हो जाता है कि अपनी गैस रॉड को चकमा दे दिया मैंने और इस मशीन को बना लिया है रेड सेंड गो करते हैं। यहाँ से चलते फटाफट से इस बाइक को चलाना शुरू। अरे ओके 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 एक बार में तो ये मुझसे होने वाला नहीं है मुझे पता है, क्योंकि बाइक कितनी जगह भी ठुकने वाली है ये भी नहीं पता मुझे। फर्स्ट टाइम फेल रहा हूँ इसीलिए। ओके 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 ये भी समझ में ऐसे ओके नहीं मैंने कलेक्ट कर लिया उसे। ये अपन आ गया दूसरे वाले एरिया में और ये मेरी कोई बात कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हार कर जीतने वाले को बाजी कर कहते हैं कोई बात नहीं, अपन कोशिश करते रहेंगे हार नहीं मानना अपने को। कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी जाएगी, कभी ना कभी तो सक्सेस हाथ आएगी। चलो यहाँ से उठाते इसको अपने हाथ में और वो सामने से रोड आता हुआ। अपने पास टाइम काफ़ी कम बचा है, फिर से अपने कहीं से चलाना शुरू कर लो। ओके यार ये बार बार फंस जा रहा है बिल्कुल बेकार बैड लक है, फिर से ट्राई करना होगा। कोई बात नहीं फिलहाल रॉड में अपने पास आ गया, अब मुझे फिर से उसे चकमा देना होगा और यहाँ से निकलना होगा किसी न किसी तरह से। तो बस चकमा देते रहो रॉड समझते रहो और अपने मिशन पूरा करते रहो, कभी न कभी तो जरूर सफलता आता ही। तो खैर चलो ट्राई करते हैं फिर से। ये यार रॉड पीछे भाग जा भाई ये मन नजर आ जाए। चलो अब अपन फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है इसे और ये देखो यहाँ पे मिला है हमें रेड कलर्स का एक वुडन जिसके हमें बहुत ही बेसब्री से तलाश थी। ये हमने यहाँ पिक करा है इसे। अब चलते हैं अपन फटाफट से अपने वैन में और निकलते हैं इस शॉपिंग सेंटर से। अब यहाँ का काम हमारा हो गया पूरा गाइस, अब अपने को ज़्यादा देर यहाँ पर रुकने की ज़रूरत ही नहीं। चलो फिलहाल चलते हैं यहाँ से अपने नेक्स्ट लोकेशन पर। और आप लोगों को तो पता ही है कि अपने को कहाँ यूज करना है इसे, तो ये रख दिया है मैंने यहाँ पे से। और चलते हैं अपन फटाक से अपने ट्री हाउस पे जहाँ पे अपने को ये रेड कलर के हॉर्स को लगाना है वहाँ पे। तो अब अपन आ चुके हैं अपने इस ट्री हाउस के पास, चलते हैं रॉड के चेस्ट पे। ये आ गए हम ऊपर, बस रॉड आ जाए। ये लगाया हमने यहाँ पर रेड कलर का चेस्ट। अब अपने को लेने के लिए जाना है एक आखिरी वुडन हॉर्स जो कि अपने को लाना है कहाँ से, मेट्रो स्टेशन वाले एरिया से। तो चलो फटाफट से चलते क्योंकि अपने को पता चल गया है कि अपने को कोड कहाँ से मिलने वाला है। ये देखो गाइस ये देखो ये जो है ना इसे तो अपन टाइम समझ रहे थे ना यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन ये टाइम नहीं है यही वो कोड है। अभी देखो ये अपन पटरी चेंज करेंगे और जैसे हम उठाने जाएंगे ना यहाँ से ट्रेन फटाक से आएगी। देखो अभी दिखाता हूँ आपको। चलो 6 8 3 ये देखो पटरी का ट्रैक चेंज किया, सिग्नल भी चेंज हो गया। अब मैं जाके आराम से उस घोड़े को वहाँ से उठा सकता हूँ बिना किसी के डर के। बस एक बंदा ना आ जाए वो रॉड, और वो देखो वो बिल्कुल मेरे सामने से नहीं आ रहा।
उसमें जैसे चकमा देना होगा ऐसा, और मैंने उसे चकमा दे के निकल गया मैं उसे वहाँ से। ये ओपन किया मिनी गेट, ये अपन आया इस पटरी पर, मैं आपको दिखाता हूँ गैस। ये देखो जैसे अपन इसे यहाँ से उठाने के रहेंगे ना, सामने से बिल्कुल ट्रेन झट से पार हो जाएगी। ये देखो ये उठाया हमने यहाँ से, और अभी के अभी यहाँ से ट्रेन पास हो चुकी है। चलते हैं अपन यहाँ से फटाफट से और लगाते हैं इसे उस रॉड की जस्ट में जो कि है ट्री हाउस पे, और बस इसके बाद अपना गेम होने वाला है कंप्लीट गाइस। तो गाइस देखो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस डिसलाइक मत करना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना और लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को ग्रो होने में हम आपकी मदद करते हैं। चलो बस प्लीज बस। तो अब अपन आ चुके हैं अपने कैंपिंग वाले एरिया में, ये उठाए हमने वुडन ग्रीन हाउस और चलते हैं रॉड की चेस्ट पर। ये क्या है, ये न्यूज वॉल तो ब्लॉक हो गया फिर से। चलो पहले फिर से ओपन कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। ये आ गए अपन अंदर, और यहाँ फाइनली हमने लगा दिया चारों रॉड की चेस्ट पे, और यहाँ से मिल चुकी गैस हमें चेस्ट की, सॉरी केज की, जिसकी अपने को जरूरत थी अपने दोस्तों को रिहा करने के लिए, मीन्स रॉड के कब्जे से बचाने के लिए। तो चलते हैं फटाफट से अपन अंदर अपने वैन में और निकलते हैं इस जगह से। तो ये अपन आ चुके हैं यहाँ पे, अब अपन यहाँ से निकल चुके हैं, और ये आ गए हम अपने ड्राइवर रोड पे, और ये हमने रिलीज कर लिया अपने फ्रेंड्स। यस अपने फ्रेंड्स को एक साथ रिलीज कर लिया, माइक को भी बचा लिया, लीज को भी, और मोटे चार्ली को भी। लेकिन एक साथ बच गया क्या? आइसक्रीम अंकल अंदर कैसे आ गया रॉड? गाइस उसने आप सबको एक साथ पकड़ लिया गाइस फिर से, और इसने सब कुछ वापस से फ्रीज कर दिया गाइस। ये एक सेकंड यहाँ पे कुछ गिरा होगा, स्पेशल फॉर्मूला टाइप से कुछ, और आई थिंक मैं फ्रीज नहीं हूँ, मैं एक बार फिर से बच चुका हूँ, और अभी भी ऐसे ही बोले अंकल ने अपने को नहीं देखा गाइस। सीक्रेट फॉर्मूला या फ्रेगरेंस उठाया अभी तो मैं तो बस जैसे मेरा वो गाड़ी वगैरह निकल गया यार, कोई बात नहीं मैं समझ गया। अब इस गेम को अपने नेक्स्ट वाले आने वाले गेम में कंप्लीट करें। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।